नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के घोषणा पत्र पर विपक्ष के सवालों की, प्रियंका गांधी के पीएम मोदी पर निशाने की, देखेंगे बीजेपी के उम्मीदवार ने कैसे विपक्ष के दावों पर लगा दी मुहर, दिल्ली में आप सांसद की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात को, जानेंगे बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों पर कैसे कसा जा रहा है शिकंजा, और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार एनडीए में बड़ी बगावत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब में अकाली दल को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू ने छोड़ी पार्टी, आप में हुए शामिल। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर मंत्री आतिशी ने एलजी को लिखा पत्र, जल बोर्ड के सीईओ को सस्पेंड करने की मांग। मुजफ्फरनगर में बीएसपी चीफ मायावती ने किया बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी को बनाएंगे अलग राज्य, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी प्रमुख ने की पहली रैली। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची की जारी, यूपी से तय किए 7 नाम, फूलपुर से अमरपाल मौर्य और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी ने आज अपने आप चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन पार्टी का यह घोषणा पत्र सवालों के घेरे में आ गया। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर जो वादे पहले किए थे उनका हिसाब कब दिया जाएगा। तो क्या वादे किए हैं बीजेपी ने इस बार के घोषणा पत्र में, और विपक्ष ने उठाए हैं क्या सवाल, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी कर दिया है। बीजेपी ने इस बार अपने संकल्प पत्र की थीम भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी रखी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें जारी रखने की बात की है। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से दो शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र से साफ होता है कि उनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। तो आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कहीं भी रोजगार और नौकरी का जिक्र नहीं है, न ही महंगाई और गरीबी हटाने की बात की गई है। युवाओं, किसानों और बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी को घेरते हुए दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने 10 साल में अपने जुमलों से देश को धोखा दिया है। आज इस देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, गृहिणी महंगाई से परेशान है। घोषणा पत्र में किसानों के इनकम की बात नहीं की गई, एमएसपी की बात नहीं है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने इंडिया गठबंधन को जिताने व भाजपा को हराने का संकल्प ले लिया है, ऐसे में भाजपा का संकल्प पत्र किसी काम का नहीं। झूठ और जुमले जिनकी पहचान बन गए हों, जनता ना उनके संकल्प पत्र पर विश्वास कर रही है ना भविष्य की गारंटी पर। जिन्होंने अपने वादे पिछले 10 साल के राज में पूरे नहीं किए वो भला भविष्य की गारंटी देने की बात कैसे कह सकते हैं। बीजेपी के वादों की विपक्ष ने पोल खोल दी है, तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयानों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका ने कहा है कि आजकल पीएम न जाने क्या क्या बोलने लगे हैं, वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और क्या कहा कांग्रेस महासचिव ने, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री को कुछ हो गया है, अधिकारी उन्हें सच्चाई नहीं बताते, जनता से कट गए हैं और अब तो ऐसी ऐसी बातें करने लगे हैं कि किसी को समझ में नहीं आता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जालौर में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें इन दिनों हो रही हैं। प्रधानमंत्री आजकल बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कभी शेखी दिखाते हैं, कभी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी मांस मछली की बातें करते हैं, कभी उस जमाने के ईमेल की बातें करते हैं जब ईमेल था ही नहीं, कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइलें छोड़ते हैं, कभी हवा में उड़ते हैं, कभी पानी के नीचे चले जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। वे असल में देश की जनता से कट चुके हैं, महंगाई और आम आदमी की समस्या पर बात ही नहीं कर रहे। बातों से लेकिन आपके जीवन का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री अभी राजस्थान आए तो बाबा रामदेव का जन्म स्थान कश्मीर बता गए। प्रियंका ने कहा कि अब साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी गरीब के संघर्ष को पहचानने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार के बहाने दो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। सभी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, फिर उनकी पार्टी में जाते ही वो लोग साफ हो जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बीजेपी के ही अंदर हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने चंदे की सूची मांगी तो सच्चाई सामने आ गई है। मोदी ने भ्रष्ट लोगों से तो चंदा लिया ही, गुजरात में जो पुल गिरा था उस कंपनी से चंदा लिया गया,
वैक्सीन बनाने वालों से चंदा लिया और लॉटरी वालों तक से चंदा लिया गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? प्रधानमंत्री सिर्फ खोखली बातें करते हैं। प्रियंका ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाए तो अयोध्या सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार ने ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी उम्मीदवार ने पीएम मोदी के बयान को ही किनारे रख दिया है। तो क्या कहा है बीजेपी उम्मीदवार ने, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादित बयान दिया है। लल्लू सिंह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने हैं। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीटों की जरूरत होती है। लल्लू के इस बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वहीं लल्लू के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। बीजेपी प्रत्याशी के इस वीडियो पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जनता की सेवा या कल्याण करने के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जरिए बनाए गए संविधान को बदलने के लिए जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीडीए बीजेपी को मिलकर हराएगा, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को नया संविधान बनाकर खत्म करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सदियों से 4-5% प्रभुत्ववादी सोच के लोग 90-95% लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए इस बार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर भाजपा को हराएंगे और संविधान व आरक्षण को बचाएंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से भी ऐसे बयानों पर तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस वीडियो को लेकर कहा कि परसों प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्वयं अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। अब अयोध्या से बीजेपी के वर्तमान सांसद लल्लू सिंह खुलेआम कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीटें जीतनी होगी। पवन खेड़ा ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि मोदी जी इन्हें दिल से माफ कर पाएंगे? बीजेपी को इस बार संविधान बदलने के लिए वोट चाहिए तो विपक्ष संविधान बचाने के लिए वोट मांग रहा है, साथ ही बीजेपी को घेरने में भी जुटा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ मजबूत रणनीति तैयार करने के लिए आज आप सांसद संजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके आवास पहुंच गए। तो क्या था इस मुलाकात में खास, देखिए ये रिपोर्ट। आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। जेल से रिहा होने के बाद संजय सिंह की कांग्रेस नेताओं से ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही ट्वीट की। खड़गे से मुलाकात कर बाहर निकले संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि खड़गे जी सदन में हमारा हौसला बढ़ाते रहे हैं, वह हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है। जेल से छूटने के बाद मुझे उनसे मिलना था और आगे की लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद लेना था। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि उनके सामने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक इंडिया गठबंधन का जारी किया जाए, इस बात का भी प्रस्ताव रखा, इस बात का सुझाव रखा कि हम लोगों को ये बताना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जो हम देश की जनता के सामने रखेंगे और उसको हम पूरा करेंगे समयबद्ध तरीके से। तो इसके बारे में बातचीत हुई। साथ ही साथ जिस तरीके से देश के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इस समय प्रताड़ना दी जा रही है और उनके जो न्यूनतम अधिकार हैं वो भी छीने जा रहे हैं, इन सारे बिंदुओं पे बातचीत हुई। आपकी ओर से इस मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट कर कहा गया है कि तानाशाह मोदी सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ही इंडिया हर कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस और आप ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है और इसका असर अब केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी दिखाई दे रहा है। जिस कंपनी ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया, सीबीआई ने उसे ही घेर लिया है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी चंदा देने वालों की लिस्ट में मेघा इंजीनियरिंग इलेक्टोरल बोंड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार बनकर सामने आई थी। कंपनी ने अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 के बीच कुल 966 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बोंड खरीदा था। उसमें से सबसे ज्यादा 584 करोड़ रुपए का डोनेशन भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, जिसके बाद कंपनी समेत बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई थी और अब चुनाव के वक्त पर इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने सख्त एक्शन लिया है। कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत दी है। सीबीआई ने प्राथमिकी में जिन अधिकारियों के नाम को दर्ज किया है उनमें एनआईएसपी और एनएमडीसी के 8 अधिकारी व मेकॉन के 2 अधिकारी शामिल हैं। आरोप है कि मेघा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपए के बिल को क्लियर करने के लिए अधिकारियों को घूस में करीब 78 लाख रुपए दिए गए।
सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि ये बिल जगदलपुर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से जुड़े काम के थे। दावा किया जा रहा है कि मेघा इंजीनियरिंग को केंद्र सरकार की तरफ से निर्माण कार्य से जुड़े करोड़ों रुपए के ठेके मिले हैं। केंद्र सरकार से मिले ठेके को चुनावी चंदे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में विपक्ष ने भी मेघा इंजीनियरिंग को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। मेघा इंजीनियरिंग के कनेक्शन बीजेपी नेताओं से भी जुड़ रहे हैं, जिसे चुनाव के समय बीजेपी संकट में फंसती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ संकट में पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। पश्चिम एशिया में बड़ी लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं। ईरान ने तो इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया है, जिसका असर भारत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से निशाना साधा है। करीब 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन का इस हमले में इस्तेमाल किया गया है, जिनमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। जेरूसलेम सहित इसराइल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाज रात भर गूंजती रही। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। ईरान ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। उसने अपनी कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की जान चली गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था और बदले की धमकी भी दी थी। और अब ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसका बदला पूरा हो गया है। अगर इसराइल फिर कोई कदम उठाता है तो वो इससे भी बड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान का दावा है कि उसकी कई मिसाइलें इसराइल के अराज शहर में जाकर गिरी, तो कुछ मिसाइलों ने अल फाहम शहर पर निशाना साधा, जिससे वहां भगदड़ मच गई। और इस बीच अमेरिका ने भी इसराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया तो वो उसका साथ नहीं देगा। यूएन में भी लड़ाई को लेकर चिंता जताई गई है। ईरान और इसराइल में तनाव को देखते हुए भारत की एयरलाइंस तल अवीव के लिए अपने फ्लाइट्स बंद कर सकती है। इसे लेकर कभी भी आधिकारिक ऐलान हो सकता है। इससे पहले शनिवार को इसराइल में ऑपरेट होने वाली भारत की दो प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया और विस्तारा ने ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की थी। इसराइल में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसराइल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को शांति बनाए रखने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। दूतावास ने कहा, हम क्षेत्र में तनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे अधिकारी ईरान की अथॉरिटी और भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। सरकार ने भारतीय नागरिकों को इन देशों में ट्रैवल करने से बचने की सलाह दी है। आपको बता दें, ईरान इसराइल के साथ भारत का 1.1 लाख करोड़ का कारोबार है। ईरान का चाबहार पोर्ट भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात एनडीए में बगावत की। बिहार एनडीए में शुरू हुई बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। एनडीए में शामिल हर दल के अंदर बगावत दिखाई दे रही है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के दोनों गुटों के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी बगावत हो गई है। तो क्यों एनडीए के नेता कर रहे हैं बगावत और इससे कैसे कमजोर हो रहा है एनडीए, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता पवन सिंह काराकाट सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जेडीयू की विधायक बीमा भारती पूर्णिया सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता दल बदल कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और अब एनडीए में शामिल आरएलएम को झटका लगा है। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव वैद्यनाथ मेहता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मेहता ने सुपौल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान वैद्यनाथ मेहता ने कहा कि एनडीए के शीर्ष नेताओं ने उनके साथ बड़ी साजिश की है। वैद्यनाथ मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वे में सबसे आगे रहने के बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया, इसलिए जनता और किसान की खुशहाली के लिए 19 अप्रैल को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही वैद्यनाथ मेहता की नाराजगी की खबरें आने लगी थी और अब उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। मेहता के निर्दलीय चुनाव लड़ने से सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू के उम्मीदवार को होना तय माना जा रहा है। जेडीयू ने यहां पर दिलेश्वर कामोद को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब उनकी राह मुश्किल होती दिखाई दे रही है। तो आज इस बोले भाई, स्टार बहुत जा गया। अरे क्या हो गया भाई, एक बार ये साइड। भाई पीछे मत आओ, वही बोला मैं। आराम से, आराम से, आराम से। सरप्राइज। बाजी किधर है? मैं अभी तो मास्क निकाल लीजिए मैम, प्लीज। मास्क, मास्क। अरे बड़ा सिंपल हुआ है।
हमें लगता है कि आप हमसे नाराज हो इसलिए मास्क नहीं लगा दिया। थैंक यू मैम, बाय बाय। हाँ ये वाली उधर से निकली थी तो भी पानी तो मस्त है, सीधा चलना ऐसा सीधा चलना आदत हो गया अभी, वो हैबिट हो गया। थैंक यू मैम, बाय 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 बाय। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब